subscribe the channel, press the bell icon, do like, comment and share. Hey, what's up guys, this is Max, welcome to our channel Games.in. So guys, आज हम लोग खेलने वाले हैं GTA 5 और उसका आज 6th एपिसोड है। तो guys, मुझे मालूम है कि बाकी एपिसोड तो आप लोग देख लेंगे। और guys, फ्रैंकलिन गाड़ी चलाते रहता है, वैसे ही उसको सिमियन का कॉल आता है guys, जिससे पता चलता है कि माइकल ने जो मारा था सिमियन को, वो सिमियन तब मरा नहीं रहता है। तो guys, फ्रैंकलिन अब माइकल के लिए काम करने लग जाता है और सिमियन का ज्यादा जवाब नहीं देता फ्रैंकलिन, और वो गुस्से में उसको कई गालियां देता है फ्रैंकलिन को। तो गाइस, फ्रैंकलिन दूसरे मिशन के लिए जाता है माइकल के पास, माइकल से बात करने के लिए, क्योंकि फ्रैंकलिन अब माइकल के साथ काम करने लग जाते। तो गाइस, वैसे ही रास्ते पे जाते जाते है ना, हमें एक रेड डॉट मिलता है। इसका मतलब हमें ना गाइस, यहाँ पर ये बंदे में कोई तो प्रॉब्लम है और ये ना बंदे को हमें पकड़ना रहता है। तो पहले तो मुझे समझ में नहीं आया गाइस, उसके बाद मैंने उसे गोली मार दिया। तो गाइस, गोली मारने के साथ ना हमें पता चलता है कि वो बंदा है ना एक चोर था और ना हमें हेल्प करना था। तो गाइज़, मैंने पैसे ले लिए और हमारे बैंक में ना 500 रुपये ऐड हो गए। तो गाइज़, अभी हमारे पास 500 रुपये और ऐड हो गए उसको, वो बंदे को। तो उसके बाद सेकंड ब्लू डॉट एक और दिखा गाइज़। मैं मुड़ा उस ब्लू डॉट के पास, वहाँ पर एक लेडी खड़ी थी और वो है ना अचानक से आई और यहाँ पर क्या दिखाया, फ्रैंकलिन ने उसको पर्स दे दिया। तो गाइज़, यहाँ पर ना हमको 50 रुपए मिला और 450 रुपए वो लेडी को देना पड़ा। तो गाइस, मैं सोच रहा है यार क्यों आया मैं वापस, मुझे 500 रुपए इतने अच्छे मिल गए थे। लेकिन मुझे लगा कुछ मिशन उशन होएगा, कि मतलब जो ब्लू कलर का डॉट दिया उधर मिशन उशन होएगा। तो गाइस, मैं भी एड़े चाले कर दिया, अच्छा खासा मेरे पास $500 आ रहा था गाइस, $500। तो गाइस, वैसे जैसे ही फ्रैंकलिन गाड़ी पे बैठता है, वैसे ही लैमार का कॉल आता है और फ्रैंकलिन ध्यान नहीं देता है और वो चलाता है। और लैमार वैसे ही जो भी कुछ बोलना रहता है उसको बोल देता है। तो गाइस, फ्रैंकलिन जाते जाते माइकल के घर पे पहुंचता है और अचानक से देखता है कि एक बंदा जंप करके गिरा है और फ्रैंकलिन देखते रह जाता है कि कौन है ये, कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये, इनके पास ना रहने को घर है, ना रोजगार है, ना पैसा है। तो गाइस, जैसे ही फ्रैंकलिन माइकल के घर पे घुसता है, माइकल अपने बीवी से फाइट करते हुए, झगड़ा करते हुए बाहर आता है। फ्रैंकलिन को बोलता है, इसने मुझे धोखा दिया, टेनिस कोच के साथ इसका कुछ चल रहा था। Bullshit. It wasn't like that. You win? Fuck it, I'm in. Let's roll. Let's get this motherfucker. Just don't kill him. तो गाइज, उसकी वाइफ भी बहुत परेशान रहती है और वो भी दरवाज़ा बंद करके चली जाती है। और फ्रैंकलिन और माइकल वो बंदे के पीछे फटाफट जाते हैं अपनी ये गाड़ी लेके। तो गाइज, वो बंदा टेनिस कोच रहता है जो उसकी बीवी को सिखाता है टेनिस, और उसी के साथ उसका कुछ पंगा हो जाता है उसके बीवी का। तो गाइज, हम फटाफट वो टेनिस कोच के पीछे जा रहे, वो अपनी गाड़ी लेके निकल चुका है। तो गाइज, उसके पीछे पीछे देख लीजिए, रेड कलर का डॉट दिख रहा है, उसकी गाड़ी बहुत फास्ट चल रही है गाइज। गाइज, ये लगता है अमांडा की कार है, अमांडा की कार लेके वो निकल जाता है। गाइज, हम पीछे कर रहे और ना वो गाड़ी इसकी छोटी होने की वजह से वो धड़ाधड़ निकल जा रहा है गाइज, हमें दिख नहीं रहा है गाइज, वो आगे निकल लिया। तो अभी है ना हम फटाफट पहुंच रहे, लेकिन माइकल को है ना टेनिस कोच का घर मालूम रहता है, टेनिस कोच कहाँ जा सकता है। और गाइस, फिर बाद में वहाँ पर टेनिस कोच गायब ही हो जाता है। तो गाइस, फिर हम देखते हैं माइकल को मालूम रहता है, माइकल लेके जाता है टेनिस कोच के घर पे। तो गाइस, यहाँ पर दिखाया जाता है फ्रैंकलिन को, माइकल बोलता है कि रस्सी बांध दो उसके नीचे के घर के एरिया को। तो गाइस, उससे ना रस्सी से कार से खींच लेगा माइकल। तो गाइस, यहाँ पर फ्रैंकलिन टेनिस कोच से झगड़ा करते हुए दिखता है। और ये टेनिस कोच क्या पहना है गाइस, देखो चीता की खाल की चड्डी पहना है, ये क्या बना है गाइस, ये देख लो फुल ऑन। और यहाँ पर माइकल दिखता है कि है ना उसने ना रस्सी बांध दी है उसके घर के नीचे, जिस रॉड पे पूरा टिका हुआ है उसका बंगलो। और यहाँ पर दिखाता है चीता के कपड़े पहने हुए एक लड़की। तो गाइस, यहाँ पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है, उसका कपड़ा लगता है ये बंदे ने पहन लिया गया टेनिस कोच ने। तो गाइस, यहाँ पर दिखाया जाता है कि लड़की कॉल करती है और निकल लेती है लड़की अपने बंगलों के अंदर। और यहाँ पर टेनिस कोच बोल रहा है कि मैंने कुछ नहीं किया और वगैरह वगैरह, वो अपने आप को सच्चा साबित करता। और यहाँ पर माइकल बहुत गुस्से में रहता है गाइस, वो उसकी वाट लगाने वाला रहता है। तो गाइस, माइकल और फ्रैंकलिन कार पर बैठते हैं और फुल ऑन रेस दे के गाड़ी जो ट्रक रहती है उससे ना उसका जो नीचे का रॉड रहता है बंगलों के, उससे खींचते हैं और ये बंगलों
गिराना चाहते हैं ये लोग। तो गाइस यहाँ पर आधा टूट चुका है। फ्रैंकलिन बोलता है माइकल को, माइकल और दम लगाओ। यहाँ पर माइकल कार चला रहा है गाइस, फ्रैंकलिन भी उसके साथ रहता है गाइस। यहाँ पर पूरी दम लगा के इन लोग घर गिरा देते हैं। ओ भाई यहाँ पर तो सीन हो गया गाइस। यहाँ पर टेनिस कोच और वो जो लड़की रहती है वो दिखाई नहीं देती है, मेरे ख्याल से वो अंदर के बंगलों में रहती है, वो साइड जो दिख रहा है। तो गाइस यहाँ पर टेरिस उल्लो का आधा बंगलो तोड़ दिया जाता है माइकल और फ्रैंकलिन के जरिए। और तो गाइस यहाँ पर मैं माइकल बनाऊँ और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर कोई भी नहीं है गाइस। मैं ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन यहाँ पर एंट्रेंस कुछ है नहीं। तो गाइस यहाँ पर देख रहा हूँ कि ना तो टेनिस कोच है ना तो वो लड़की है। तो गाइस मुझे समझ में नहीं आ रहा है टेनिस कोच और लड़की कहाँ चले गए। और यहाँ पर बता रहा है कि माइकल के घर पे जाना है। तो गाइस यहाँ पर किसी का कॉल आया, माइकल उठा के बात कर रहा है। गाइस मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और गाइस यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है कि पीला कलर का जो डॉट डॉट दिखा रहा है, हाँ अभी हमको वहाँ पर जाना है, मतलब माइकल के घर पे। घर के लिए निकलते हैं और यहाँ पर बेचारा माइकल की जो बीवी है अमांडा, उसने धोखा दे दिया है माइकल को और माइकल उसको छोड़ेगा नहीं बाद में, क्योंकि वो गैंगस्टर है गाइस, वो छोड़ने वाला नहीं है, उसके अंदर का गैंगस्टर जाग चुका है। A few moments later. तो गाइस यहाँ पर जब फ्रैंकलिन और माइकल जाते रहते हैं और अबे गाड़ी क्यों पलट गई। ओ भाई कैसा रास्ता है यार, गाड़ी पलट गई। तो गाइस यहाँ पर है ना चलते चलते, यहाँ का बहुत ही खतरनाक रास्ता है गाइस, यहाँ पर ढलांग है। और ओए 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 ये कैसी गाड़ी सामने आ गई यार, मुझे तो डर लग रहा है यहाँ पर कुछ सीन ना हो जाए। गाइस अलग ही रास्ता है ब्रो। ओ गाइस यहाँ पर गाड़ी रुक गई है और हम लोग, ओ भाई ये क्या सीन है, फायरिंग होने लगी। गाइस मुझे समझ में नहीं आ रहा फायरिंग क्यों हो रही है। तो गाइस मैप में आप लोग देख रहे हो रेड डॉटेड वो दोनों कार है। और गाइस यहाँ पर है ना हम लोग फटाफट, फ्रैंकलिन और माइकल फटाफट निकल रहे हैं यहाँ से माइकल के घर पे ताकि सेव हो जाए, क्योंकि कंटिन्यू कार पे गोली पड़े जा रही है यार, हमारे ट्रक पे गोली पड़े जा रही है। तो गाइस यहाँ पर फटाफट माइकल फ्रैंकलिन को बोल रहा है फ्रैंकलिन मार गोली जल्दी। तो गाइस यहाँ पर कंटिन्यू गोली फ्रैंकलिन मार रहा है और यहाँ पर ये कार रुक जाती है, दोनों कार रुक जाती है। गाइस बहुत सही, अभी है ना एक कार अटक चुकी है, दूसरी कार आ रही है। तो गाइस फ्रैंकलिन को कंटिन्यू उसको गोली मारना है। ओ गाइस कंटिन्यू गोली मार रही है कार, कंटिन्यू फ्रैंकलिन माइकल के। ओ भाई अटक गई, एक नंबर कार अटक गई, पर एक भी कार नहीं आ रही है। तो गाइस फ्रैंकलिन और माइकल बच गए, बहुत बाल बच गए, क्योंकि दो दो कार थी वहाँ के, दोनों बंदे जो दोनों कार के बंदे अगर भून देते ना इन लोगों की वाट लग जाती। तो गाइस अगर ना आप लोगों को मेरी सीरीज पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करो और अपने दोस्तों को बताओ और सब्सक्राइब करो यार, और बताओ मैंने इसमें क्या चीज़ गलत बोला है कमेंट में आप लोग बता सकते हो। तो गाइस अभी फ्रैंकलिन और माइकल अपने घर पे पहुंच जाते, यानी कि माइकल के घर पे पहुंच जाते आराम से बचे बचाए। तो गाइस यहां पर माइकल और फ्रैंकलिन की बात होती है, माइकल बोलता है थैंक यू फ्रैंकलिन, आज तुमने मेरा साथ दिया उस टेनिस कोच की वाट लगाने के लिए। तो गाइस यहां पर एक कार आती है और यहां पर क्या दिखाया जाता है, ओ भाई ये तो मार्टिन मद्रासो है भाई, ये तो पुराना गैंगस्टर है, फ्रैंकलिन के साथ काम करता था और ये बहुत नामचीन गैंगस्टर है। गाइस फ्रैंकलिन से बात कर रहा है कि फ्रैंकलिन को बोल रहा है मार्टिन मद्रासो। तो गाइस माइकल से पूछता है मार्टिन मद्रासो तुम कौन हो, और माइकल बोलता है मैं इसका फ्रेंड हूँ, और वो बोलता है तुम्हारा आईडी दिखाओ। और यहाँ पर क्या होता है, ये बंदा छीन के मार्टिन मद्रासो को देता है और मार्टिन मद्रासो रख लेता है उसका लाइसेंस। तो गाइस यहाँ पर फ्रैंकलिन और माइकल बहुत परेशान दिखते हैं। तो गाइस यहाँ पर मार्टिन मद्रासो को देख के है ना माइकल भी बहुत टेंशन रहता है, क्योंकि वो है ना अपना सारा काला धंधा बंद करे रहता है, और यहाँ पर मार्टिन मद्रासो यहाँ का नामचीन गैंगस्टर रहता है और उससे फाइट होती है। गाइस उससे आता है मार्टिन मद्रासो, फ्रैंकलिन को बोलता है साइड हट जाओ, और यहाँ पर माइकल से मार्टिन मद्रासो बात करता। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर पता चलता है जो बंगलो गिराया गया है फ्रैंकलिन और माइकल के जरिए वो मार्टिन मद्रासो था, और वो जो लड़की रहती है वो मार्टिन मद्रासो की वाइफ रहती है। गाइस मुझे अभी समझ में आया, ओ भाई मार दियो, ओ भाई फ्रैंक माइकल को बहुत बुरा मारा मार्टिन मद्रासो ने, और इन लोगों ने ना उसके जो बॉडीगार्ड है बड़े बड़े बाल वाले लड़के हैं या लड़की है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है गाइस। तो गाइस यहाँ पर माइकल को बहुत तेज लगी है, मार्टिन मद्रासो फुल ऑन रोल में आया और भर दिया यार, कितना बड़ा गैंगस्टर होएगा। मार्टिन मद्रासो बोल रहा है कि मेरे बंगलो है उसका भरपाई तुम्हें करना है और बहुत जल्दी मुझे पैसे चाहिए। और गाइस यहाँ पर वो जो, तो गाइस यहाँ पर जो चीता का ड्रेस वाली लड़की है वो भी मुझे समझ में आ गया कि वो मार्टिन मद्रासो
वासु को ही कॉल कर रही थी क्योंकि वो वाइफ रहती है टेनिस कोच के घर में रहती है, लगता है उसको भी टेनिस कोच कोचिंग देता है जैसे माइकल के बीबी को देता है। ओ भाई ये लड़की ने थूक दिया बेचारे माइकल के मुंह पे, अरे रे। तो गाइज यहाँ पर है ना मार्टिन मद्रास निकल जाता है और फ्रैंकलिन माइकल को उठाता है, उठ जाओ बॉस। तो गाइज यहाँ पर माइकल है ना फ्रैंकलिन के साथ मिलके फ्रैंकलिन को बोलता है लगता है मुझे अपने असली रूप में आना पड़ेगा। माइकल अगले मिशन की तैयारी करता है गाइज, फ्रैंकलिन को बोलता है तुम तैयार रहो और अगले मिशन के लिए माइकल रेडी होता है गाइज। और गाइज नेक्स्ट मिशन अगले ही दिन दिखाऊंगा मैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ और बहुत ही मजा आने वाला है गाइज। और नेक्स्ट मिशन के लिए तैयार रहिए और माइकल और फ्रैंकलिन मचाने वाले हैं गाइज और उनके साथ मैं भी मचाने वाला हूँ। तो गाइज नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग रेडी रहिए, कल ही आने वाला है। और हाँ और गाइज मेरे हर वीडियो देखिए यार, बहुत मजे आने वाले। और गाइज जिसको भी शाउट आउट चाहिए ना GTA में वो सब कमेंट में नाम लिख देना अपना शाउट आउट करके, तो गाइज मैं वहां पर शाउट आउट दे दूंगा आपको। तो गाइज नेक्स्ट वीडियो जरूर आएगा कल और टाटा बाय बाय।